अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई बड़ा फाइनल जिसका बड़ा इंतजार किया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान को कौन कौन से गैर मुल्की प्लेयर्स आज दस्तयाब हैं। सर रिजवान से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मैच जीतना है तो जिम्बाब्वे के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रिचर्ड नगरावा को आज मौका दे दो। आप सोच रहे हैं डेविड विली भी है ना, लेकिन इसके पास वेरिएशन बड़ी तगड़ी है, नई बॉल के साथ ये बंदा बड़ा इफेक्टिव है। बाबर आजम भी इसके सामने फंस गया था जब पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था। तो रिचर्ड नगरावा बड़ा इंटरेस्टिंग यानी कि फास्ट बॉलर रहेगा। अगर आज मुल्तान सुल्तान इस बंदे को यूटिलाइज करती है और करना भी चाहिए तो रिजवान ये एडवांटेज उठा सकते हैं। वैसे ओवरऑल बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप उनके पास है और चार्ल्स जो है बड़ी तगड़ी फॉर्म में है, रिजवान खुद बड़ी तगड़ी फॉर्म में, उस्मान खान बड़ी तगड़ी फॉर्म में, चाचा तो फिर वाह वाह ही उसके साथ ही है जनाब। यानी कि इफ्तिखार की जो परफॉर्मेंस है वो अनबिलीवेबल ही है। यहां पर सवाल आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड को लेकर, कॉलन मनरो को क्या आज इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा इंक्लूड करेगी? वो बंदा इंजर्ड हो गया था, तो कॉलन मनरो जो है वो अहम रोल अदा कर सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। एलेक्स हिल की जगह क्या मनरो को वो रिप्लेस करेंगे? और मार्टिन गप्टिल को तो मेरे हिसाब से वो ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। भाई हैदर अली और इमाद असीम ने जो लास्ट मैच के अंदर किया था ना, जलमी फैंस तो नहीं भूल सकते हैं। भाई बहुत बड़ा हार्ड लक था जलमी के साथ, लेकिन बॉलिंग की वजह से जलमी आ रही थी। लेकिन चलो अब आगे बढ़ गए, आज लास्ट डे है पीएसएल का और फाइनल होने वाला है। 9th एडिशन जो है वो कंप्लीट होने वाला है। जीतेगा कौन जीत तो वक्त बताएगा। ओबैड मुकोयज हैं उनकी स्पेशली उनकी जगह आज मैथ्यू फोर्ड हैं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये एक इकलौती वाहिद तब्दीली जो है यूनाइटेड की साइड की तरफ होती हुई नजर आ रही है कि ओबैड मुकोय की जगह वो वेस्ट इंडीज की मैथ्यू फोर्ड को जनाब आज आजमा सकते हैं। लेकिन मुकोय के पास तजुर्बा एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा है। लेट्स ही देखते हैं क्या करते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन आज होने वाला है बड़ा फाइनल, मुल्तान सुल्तान के रिजवान इस्लामाबाद के शादाब, आज इनके कांधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। आज टाइटल जीतेगी अगर मुल्तान तो वो भी दूसरी मरतबा, यूनाइटेड जीतेगी तो वो तीसरी मरतबा। लेट्स ही देखते हैं कौन जनाब बाजी मारता है। अपडेट से चले गए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।